इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। जिला अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंची खंडवा विधायक। जिला अस्पताल में अव्यवस्था को देख विधायक श्रीमती तन्वी ने कहा कि व्यवस्था सुधारने के लिए हफ्ते में 2-3 दिन अस्पताल पहुंचूंगी। स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में निरीक्षण करने पहुंची खंडवा विधायक श्रीमती कंचन तन्वी के साथ महिला डॉक्टर प्रिया द्वारा बदसलूकी का मामला सामने आया। आज हमारी जो नवनिर्वाचित विधायक है कंचन तन्वे जी अपने गांव के कोई उनको देखने पाए, जब पहुंची तो उसकी हालत यह है कि सुबह से अभी उसको 12 बज गई 1 बजे तक कोई देखने नहीं आया, जबकि वो फुल डिलीवरी पीरियड में महिला है। लगातार वो परेशानी की बात करने के उन्होंने फोन लाया तो वो बोली जी तो वहाँ पर कोई सिस्टर आने को तैयार नहीं, कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं। आगे होके हमारी भाभी कंचन तन्वे जी वहाँ पर जो जो डॉक्टर है वहाँ पर प्रिया करके उनके पास पहुंची तो वहाँ सिर्फ बात कर रही कि मैं एमएलए हूँ, तो वो बोले कि आपकी थोड़ी तेज आवाज में बात मत करो, हम धीरे आवाज में बात करो। उठने को तैयार नहीं है कि एमएलए होता है उसका कुछ प्रोटोकॉल है, लेकिन वो इतनी मतलब घमंड में चू रहे हैं कि इनको लाखों रुपए मिलता है लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है, ना मरीजों की चिंता है। जब मैं मानता हूँ कि आज एमएलए के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रही है तो मरीजों की क्या स्थिति बनती होगी। लगातार हम घटना सुनते रहते हैं पेपरों के माध्यम से भी कि महिला अस्पताल की काफी स्थिति खराब है, लगातार यहाँ पर बच्चों की मौतें भी हो रही है और इसमें बहुत तत्काल अच्छे व्यवस्थाओं की बहुत काफी आवश्यकता है। इसको लेकर हमारी जो विधायक है कंचन तन्वे, उन्होंने बोला कि हफ्ते भर में कम से कम 2 या 3 राउंड लगातार हमें लगाऊंगी ताकि यहाँ पर व्यवस्था में सुधार हो सके और मरीजों को जो जिस प्रकार हमारी सरकार की सोच है गरीबों की सेवा होना चाहिए वो सेवा यहाँ पर करवाने के लिए पूरा प्रयास करूंगी, लगातार मेरे दौरे चलते रहेंगे। तो क्या आपके साथ हुआ है थोड़ा सा? आज मेरे द्वारा हॉस्पिटल में निरीक्षण किया गया, यहाँ की अव्यवस्था को लेकर पूरे पेशेंट यहाँ पर परेशान है। जिस तरीके से हॉस्पिटल में सुविधा होना चाहिए, यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी मुझे नजर आई, ना नर्स का ठिकाना, और एक मैडम जी उसे मिलने के लिए गई तो उसका तरीका मतलब उसका बिहेव ऐसा था कि वो मतलब उसको बताया कि विधायक जी है और इस तरीके से मैंने बात की वो मुझे चुप कर रही थी। तो ऐसे मतलब जो व्यक्ति यहाँ पर नौकरी करे उनको यहाँ से अस्पताल से निकाल के बाहर करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं यहाँ पर है। और इस हॉस्पिटल में ऐसे व्यक्ति चाहिए जो पेशेंटों को मतलब उनका ध्यान दे, क्योंकि पेशेंट यहाँ पर ऐसे रहते हैं कि जो मध्यम वर्ग से आते हैं और यहाँ पर उनको पेशेंट को मतलब नर्स की डॉक्टर की जरूरत रहती है। तो इस तरीके से बिहेव और यहाँ पर यह मतलब व्यवहार इस तरीके से मेरे साथ किया तो आम जनता के साथ ये कैसा व्यवहार करेंगे? और मेरे द्वारा मैं 1-2 दिन के मतलब छोड़कर यहाँ पर मतलब निरीक्षण करती रहूँगी और यहाँ की व्यवस्था को सुधारने का मैं पूरा जिम्मा लेती हूँ और डॉक्टर से भी और आगे भी मैं बात करके यहाँ की अव्यवस्था को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। करोड़ों रुपए खर्चे करने के बाद आम जनों के साथ में पहला व्यवहार आपके साथ जिस तरह किया जा रहा है सभी के साथ होता है, तो अब इस पे एक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल एक्शन होगा। ये मुकाबले में जिस तरीके से चलता था पहले चलता था उस तरीके से उन्होंने सोच लिया कि आज भी वही स्थिति है, तो हम जागरूक हैं और हमारी पूरी जनता भी जागरूक है। इसको लेकर लगातार शिकायतें आती है जो डिलीवरी जो महिला आती है उनको लगातार जिस तरह उनके साथ भी व्यवहार गलत किया जाता है, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है, क्या कहेंगे इस पे भी आप? इसको लेकर मैंने बताया भैया कि इसको लेकर ये व्यवस्था बिल्कुल ठीक करूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं बेचारी आती है वो परेशान होती है। जिस तरीके से एक पेशेंट को देखा उस वो तो आराम जैसे कर रही थी जैसे घर में मतलब आराम कर, इस तरीके से तो आराम घर भी कर सकती थी। मतलब ऐसा यहाँ पर मेरे आने के बाद ना डॉक्टर का पता ना नर्स का पता, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। ये व्यवस्था को पूरा सुधारना पड़ेगा और मेरे द्वारा पूरा निरीक्षण होगा और मेरी टीम मेरे साथ है, हम पूरा मतलब यहाँ निरीक्षण करने के बाद देखा कि यहाँ की अव्यवस्था पूरी गड़बड़ाई हुई है, इन व्यवस्था को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे और हम भी आगे बात करके ये हॉस्पिटल की पूरी भी जितनी भी असुविधा है उनको सुधारेंगे। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।